मैं तबरेज देशमुख। मैं मतलब ऐसा तो 2016 से मुझे ऐसा मतलब मैं मॉर्निंग में उठा तो मेरे पैर में स्वेलिंग जैसा हुआ। फिर तो मैं इतना ये नहीं किया, मतलब कुछ ऐसा नॉर्मल मुझे लगा हुआ आएगा, ऐसा लगा होएगा। लेकिन फिर थोड़ा थोड़ा ऊपर तक मेरे नी तक थाई तक बढ़ने लगा, तो मैं थोड़ा वरी हुआ। तो मैं इसके लिए हॉस्पिटल में गया डायग्नोसिंग में। तो उधर उन्होंने ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट किया, तो मुझे ऐसा बाद में ऐसा उन्होंने बुला के बोला कि आपको प्रोटीन आपका यूरिन से जा रहा है ऐसा। तो फिर मैंने ठीक है, फिर इसका क्या प्रिकॉशन है ऐसा। तो फिर उन्होंने ऐसा ट्रीटमेंट मुझे पहला स्टीरॉयड्स प्रीफर किया। स्टीरॉयड्स प्रीफर किया तो मैं 1 महीना स्टीरॉयड लिया, फिर भी कुछ हुआ नहीं ऐसा। फिर उन्होंने बोले कि आपको बायोप्सी करना पड़ेगा किडनी की। तो मैंने बायोप्सी किया तो उन्होंने देखा कि कुछ मिनिमल डिजीज है मतलब ऐसा। तो उन्होंने बोला इस पे कुछ प्रॉब्लम नहीं, स्टीरॉयड्स लेंगे तो रिकवरी हो जाएगा ऐसा। तो उन्होंने मुझे स्टीरॉयड्स का ट्रीटमेंट चालू किया 3 महीने तक ऐसा। फिर मैंने लिया स्टीरॉयड्स का ट्रीटमेंट, तो 1 महीने के बाद स्वेलिंग वो सब उतर गई ऐसा। फिर 3 महीने के बाद फिर नॉर्मल था ऐसा। फिर 6 मंथ्स 2016 मतलब मुझे मार्च में ऐसा ये हुआ था। तो आफ्टर 6 मंथ्स मुझे फिर वापस से स्वेलिंग शुरू हो गई ऐसा। फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, फिर डॉक्टर ने वही स्टीरॉयड्स वापस से रिटर्न दिए। फिर वही मैंने कंटिन्यू किया, फिर वही 2 महीने हो गए, फिर स्वेलिंग उतरी पूरी, फिर नॉर्मल ऐसा हो गया। फिर वापस से वो फिर अगेन 6 मंथ्स के बाद अगेन मुझे हो गया ऐसा। तो फिर मैंने डॉक्टर को पूछा कि क्या ऐसा मुझे एक साल हो गया अभी वही हो रहा है वापस से। फिर डॉक्टर ने मुझे स्टीरॉयड्स के साथ एक दूसरे मतलब मेडिसिन ऐसा दिए। तबरेज जी, यहाँ मैं आपको पूछना चाहती हूँ, आपको स्वेलिंग के साथ और कुछ तकलीफें हाँ, होती थी क्या? स्वेलिंग के साथ मुझे ब्रीदिंग के लिए प्रॉब्लम होता था, फिर वो स्वेलिंग स्टमक तक आता था, फिर मैं थोड़ा चलता था तो फिर मुझे रुकना पड़ता था ऐसा, फिर थोड़ा ब्रीथ नॉर्मल हो जाता था फिर मैं चलता था, लेकिन मैं ज़्यादा चल नहीं पाता था फ्रैंकली, क्योंकि मुझे नहीं होता था चलने, क्योंकि एकदम हाई पे हो जाता था मेरी सांस। तो स्वेलिंग कहाँ से कहाँ तक थी एक्चुअली ये? पहला मुझे लेग में फुट में हुआ, फुट से लेके नी तक आया, नी दोनों से पैरों में? दोनों दोनों एक साथ कंटिन्यू, फिर मुझे स्टमक तक ऐसा पूरा स्टमक तक आया ऐसा स्वेलिंग ऐसा होता था मुझे। फिर वही उन्होंने दूसरा मेडिसिन दिए, फिर जब भी वही कोर्स किया 1 महीना फिर हो गया नॉर्मल ऐसा, ऐसे ही छः 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 महीने तक तो हर बार स्वेलिंग रहती थी, सांस लेने में सांस लेने दिक्कत में होती तकलीफ थी, और क्या तकलीफ होती थी आपको? और ब्रीथ और वही मतलब ऐसे चलने तो होता ही नहीं था, और ऐसा मुझे फिर टेंशन पैंट पूरा एकदम स्टमक पूरा मेरा बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता था पूरा मतलब ना, कैसे? मतलब क्लोथ्स नहीं पहन सकता था पूरा, जो नॉर्मल क्लोथ्स है वो नहीं पहना होता था, फिर पूरा ऐसा स्ट्रक्चर मतलब अनकंफर्टेबल ही हो जाता था पूरा, ना बैठने होता था ना उठने, ऐसा प्रॉपर कुछ नहीं था, मूवमेंट नहीं था ऐसा, मतलब ऐसा बहुत प्रॉब्लम होता था मुझे। तो ऐसे ही फिर वो 1 महीना के कोर्स 2 महीने फिर नॉर्मल, लेकिन 6 6 मंथ्स में वो होते ही जा रहा है वापस मुझे। यूरिन मोशन में कुछ तकलीफ हाँ थी कम? यूरिन में मुझे ऐसा होता था कि यूरिन आ रहा है, लेकिन यूरिन करने जाए तो यूरिन होता ही नहीं था, थोड़ा ही होता था ऐसा मतलब, तो और ऐसा फील होता था कि बहुत यूरिन होएगा ऐसा मतलब, लेकिन करने जाओ तो ऐसा थोड़ा ही होता था ऐसा, यूरिन में जलन या दर्द रहता था कभी? मतलब ऐसा कभी कभी पेन होता था ऐसा यूरिन में, ऐसा बर्निंग सेंसेशन होता था ऐसा। तो फिर मैं वही तो फिर वैसे ही टेस्ट, लेकिन वो मेडिसिन से होता था रिकवर, लेकिन फिर 6 मंथ्स के बाद ऐसे ही 2017 में भी हुआ, सबसे पहले आपने इन्वेस्टिगेशंस कभी किए? ये 2016 मार्च में किया मैंने, क्या टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशंस हुए थे आपके? पहला उन्होंने यूरिन टेस्ट लिया, ब्लड टेस्ट लिया, क्रिएटिन वो सब चेक किया उन्होंने, फिर पूरा हाई था ऐसा मतलब एकदम हाई था, तो उन्होंने क्या वो क्रिएटिन क्रिएटिन क्या लेवल था अप्रोक्सीमेटली? अप्रोक्सीमेटली मुझे 6.6 के अबाउट था कुछ ऐसा, ओके 6.9 समथिंग था। तो फिर उन्होंने पूरा ये किया, फिर उन्होंने बाद में सजेशन किया कि स्टीरॉयड्स लो, फिर उन्होंने आफ्टर वीक बोला कि बायोप्सी करेंगे किडनी का, तो उसमें हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना परसेंटेज डिजीज है ऐसा मतलब बिगनिंग है क्या कुछ ऐसा ज्यादा है, तो तो उस बायोप्सी हुई थी आपकी? बायोप्सी हुई थी, तो उन्होंने वो बायोप्सी के रिपोर्ट पे उन्होंने वैसा मेडिसिन कंटिन्यू रखने बोला मेडिसिन, तो डायग्नोसिस क्या हुआ था बायोप्सी में, कुछ पता चला था क्या डिजीज है? मिनिमल ऐसा मिनिमल दिया था ऐसा, मिनिमल कुछ इतना मुझे ये नहीं, मिनिमल डिजीज करके ऐसा लिखा था, फोकल सेगमेंट ऐसा कुछ तो था,
तो वो बोले कि ये स्टार्ट है तो इसमें एक रिकवरी मतलब ऐसा कंट्रोल कर सकते हैं ऐसा, तो उन्होंने दिया। फिर वैसा मैंने उनके हिसाब से जो ट्रीटमेंट शुरू किया तो वो 1-2 महीने में रिकवर हो गया, लेकिन मुझे लगा कि मतलब नॉर्मल है सर, लेकिन आफ्टर 6 मंथ्स वो अगेन आ जाता था, फिर वही ट्रीटमेंट, फिर वही ऐसा 2 इयर्स तक चला। फिर मुझे ऐसा मतलब डॉक्टर अंसारी या होम्योपैथिक उनका पता चला ऐसा, तो मैं मुझे 2017 दिसंबर में फर्स्ट वीक में फिर से हो गया था ये। तो फिर मैं 1 महीने से कंटिन्यू ले रहा था मेडिसिन, तो फिर बाद में मैं जनवरी 2018 में मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि क्या आप मेडिसिन ले रहे थे आप दिसंबर 2017 से? स्टीरोइड्स ले रहा था। उससे कुछ फर्क था? उससे कुछ नहीं फर्क हुआ, मतलब ऐसा 1 महीने तक जनवरी 5 तक तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर मैं मुझे सजेस्ट किया कि आप होम्योपैथिक ट्राई करो, तो मैंने डॉक्टर अंसारी मुझे एक मतलब ऐसा रेफरेंस मिला कि आप उधर जाइए ऐसा। तो मैं उधर जनवरी 5 को आया, जब भी मेरी बॉडी स्वेलिंग थी उन्होंने मेरा चेकअप पूरा ऐसा पूरा किया, उन्होंने मुझे जब कुछ आप आए थे यहाँ 5 जनवरी 2018 में डॉक्टर अनवर आमिर अंसारी के यहाँ पर, तब आपको क्या क्या तकलीफें थी? मुझे स्वेलिंग तो मतलब एकदम हो गया था, मतलब जितना मुझे प्रीवियसली 6-6 मंथ में उतना नहीं होता था, मतलब होता था स्टमक तक लेकिन ऐसा साइज में कम था, लेकिन ये बार ऐसा बहुत हो गया था, मतलब ऐसा कहाँ से कहाँ तक की स्वेलिंग मतलब थी? पूरा स्टमक हैंड में भी स्वेलिंग आ गई थी, और ओके, मुझे उसमें मैं फीवर भी हो गया था, मुझे फीवर था और कोल्ड हो गया था ऐसा। तो वो टाइम पे मैं इधर आया था ऐसा, फिर उन्होंने मुझे मैं तभी चेक जैसे पहले आपको सांस लेने में तकलीफ थी या यूरिन की प्रॉब्लम थी, तभी आप आए थे जनवरी 2018 में, तभी ये तकलीफें थी हाँ थी आपको? सेम थी, यूरिन और जब भी स्वेलिंग होता है जब भी मुझे उस साथ में यूरिन की और ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती क्या है, सांस प्रॉब्लम की होती है? मतलब यूरिन में बर्निंग सेंसेशन होता है और चल नहीं सकता है, मतलब अभी थोड़ा ऐसा चले तो एकदम एकदम ही हो जाता है, सांस फूलने लगती थी। फिर मैं फिर रुकना पड़ता बैठना पड़ता था ऐसा, फिर बैठ के फिर उठने भी प्रॉब्लम होता था, फिर चलो थोड़ा, फिर इसके लिए मैं ज़्यादा चल ही नहीं पाता था, घर से उतरता ही नहीं था, मैं घर पे ही बैठा रहता था ऐसा। फिर मैं इधर आया फिर डॉक्टर के पास, फिर उन्होंने मुझे चेक किया ऐसा पूरा, फिर उन्होंने मुझे जनवरी 5 को मेडिसिन दिया 1 मंथ का, लेकिन मैं इंग्लिश का भी चल रहा था, स्टीरॉयड्स कंटिन्यू था मेरा। फिर मैंने जनवरी 6 से मेडिसिन होम्योपैथिक का शुरू किया और विथ इंग्लिश मेडिसिन, तो दोनों मैं कंटिन्यू ले रहा था। तो आफ्टर 10-12 डेज सडनली मॉर्निंग मॉर्निंग में मुझे यूरिन आने लगी ऐसा, तो मुझे लगा कि ऐसे ही मुझे नॉर्मल तो होता ही था, यूरिन आता था लेकिन होता नहीं था, लेकिन उस टाइम से मुझे यूरिन स्टार्ट हो गया सर, उसके पहले यूरिन डेली नहीं आती थी बराबर डेली से, बराबर नहीं आती थी, थोड़ा मतलब थोड़ा कैसा वैसे, होता था? मतलब ऐसे यूरिन आने का फिर यूरिन के लिए जाना तो थोड़ा थोड़ा ही होता था ऐसा, तो और बर्निंग होता था ऐसा। तो उस दिन सुबह में सुबह सुबह हुई मतलब मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग, तो मुझे लगा वो ही है ऐसा, लेकिन मुझे कंट्रोल नहीं हुआ, मैं चलो मैं जाते हूँ यूरिन, देखा तो मुझे अच्छा मतलब ऐसा पहले से बहुत ऐसा बेटर हुआ ऐसा, यूरिन बहुत हुआ ऐसा, मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसा मतलब ऐसा अलग से फीलिंग हुई ऐसा यूरिन, तो मुझे ऐसा कंटिन्यू आफ्टर 2-2 आवर्स में यूरिन आने लगा ऐसा। तो पूरा मेरे और मैंने जब भी मेरा वेट था बिफोर यूरिन होने से 102 kg समथिंग, जब आप आए थे यहाँ पर तो वेट कितना था? मैं आया था जब भी 104 था ऐसा, 104 102 103 ऐसा रहता था। तो फिर मुझे यूरिन स्टार्ट हुआ तो सडनली मेरा मतलब 2-2 घंटे में यूरिन हुआ, तो सडनली वो थोड़ा साइज भी कम होने लगा बॉडी का स्वेलिंग। फिर एक दिन फिर मैंने नेक्स्ट वेट चेक किया तो 94 समथिंग ऐसा था, फिर नेक्स्ट डे फिर वैसे ही 2nd डे कंटिन्यू यूरिन होने लगा, फिर 86 अराउंड हुआ ऐसा, 3-4 डेज में मुझे पूरा रिकवरी 76 तक हो गया था, तो सेवेंटी ट्रीटमेंट सेवेंटी चालू करने के मतलब 5 जनवरी 2018 के बाद 12 दिन में आपको यूरिन एक तो बार बार एवरी 2 आवरली होती थी, हाँ स्वेलिंग आपकी कम होने कम होने लगी, कम होते गए स्वेलिंग कम होते गए, सांस लेने में तकलीफ होती थी वो कैसी थी? जैसे जैसे यूरिन होने लगा स्वेलिंग कम होने लगा तो थोड़ा मुझे अच्छा मतलब ब्रीदिंग के लिए थोड़ा ऐसा मतलब रिलैक्स हुआ ऐसा, मतलब मैं थोड़ा चल पा रहा था ऐसा, मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी नॉर्मल हो रहा हूँ ऐसा, मतलब फील नॉर्मल ऐसा बेटर मैं फील कर रहा था ऐसा। और तो वेट वेट लूज हो रहा था क्योंकि वो पूरा स्वेलिंग पूरा मेरे वाटर था, पूरा जो वाटर यूरिन के थ्रू निकल रहा था, तो मुझे मेरा वेट भी लूज होने लगा ऐसा। फिर सडनली आफ्टर 4 डेज मेरा वेट 77 हो गया ऐसा, और पूरा स्वेलिंग पूरी बॉडी की उतर गई, फेस की स्वेलिंग पूरी उतर गई, तो
और नॉर्मल ऐसा मैं चलने लगा, खेला भी मैं आफ्टर शायद 3-4 डेज में खेलने खेला भी क्रिकेट। ऐसा कभी सांस लेने में कोई नहीं, तकलीफ ऐसा नहीं? कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, सिर्फ क्या वो स्वेलिंग की वजह से मुझे थोड़ा भागने में प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि एक पोजीशन पे था ना मैं तो, लेकिन ऐसे सांस को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, ऐसा नॉर्मल ही था ऐसा। तो उसके बाद आपने कोई टेस्ट कराए? फिर मैंने उसके बाद जनवरी एंड में, मतलब आफ्टर 20 डेज मैंने टेस्ट कराया, तो मैं प्रोटीन मेरा नेगेटिव शो हुआ, किस क्या टेस्ट कराए? यूरिन टेस्ट किया ऐसा, और क्रिएटिन लेवल भी मतलब ऐसा नॉर्मल था, मतलब थोड़ा हाई था लेकिन अप्रोक्सीमेटली कितना अप्रोक्सीमेटली होगा? 2 पॉइंट ऐसा था, पहले कितना था? पहला मतलब 6 के अराउंड था ऐसा, तो 2 के लेवल में आ गया, मतलब बेटर था परफॉर्मेंस ऐसा मेरा, और साथ में डाइट भी था तो थोड़ा कंट्रोल में हो गया था यूरिन ऐसा। में प्रोटीन थे क्या? यूरिन नहीं, नेगेटिव आ गया था, जब भी डायरेक्टली सडनली मैं टेस्ट किया तो नेगेटिव शो किया यूरिन में, तो जब भी जाके मतलब ऐसा ये हुआ कि नॉर्मल ऐसा, तो मैंने मेडिसिन कंटिन्यू रखा। फिर मैंने एक मुझे एक होम्योपैथी की मैंने तो एक ही महीने 1 मंथ ही किया था, शायद फ़रवरी 6 को मेरी खत्म हो गई थी आगे होम्योपैथी। कंटिन्यू नहीं करने की वजह क्या थी? एक्चुअली मैं इधर आउट ऑफ इंडिया रहता हूँ जॉब पे, तो मैं फ़रवरी 2 को चले गया था ऐसा, तो मुझे फिर उधर इधर से मेडिसिन लाना थोड़ा प्रॉब्लम है जिधर मैं जॉब करता हूँ उधर, तो मुझे होम्योपैथी का मेडिसिन नहीं मिला ऐसा, तो इंग्लिश का मेरे पास ऑलरेडी था, तो मैं वही कंटिन्यू किया अप्रैल एंड तक। फिर अप्रैल एंड के बाद अभी जून 28, 2018 है, अब तक तो मैं कोई मेडिसिन पे नहीं हूँ, और मैं अभी फॉलोअप के लिए आया हूँ इधर, मतलब तो मेरा रिपोर्ट्स तो अभी नॉर्मल है, अभी डॉक्टर मुझे सजेस्ट करेंगे कि आप। यूरिन टेस्ट आपने कितनी बार कराई थी? हाँ, यूरिन टेस्ट मैंने फेब्रुआरी से मैंने एवरी वीक कराता था, तो नेगेटिव आया था, क्या नेगेटिव आता था? प्रोटीन नेगेटिव शो हुआ है, उसके पहले कितना होता उसके था? पहले 3+ दिखाता था मुझे, तो वो डायरेक्टली 3+ मैंने फिर टेस्ट किया तो डायरेक्ट नेगेटिव आया ऐसा, मतलब ऐसा 2+ भी नहीं, 1+ भी नहीं, पहले जब भी था जब भी 2+ आता था, 1+ ऐसा स्लोली स्लोली, लेकिन मुझे सडनली नेगेटिव आया रिपोर्ट में। फिर ऐसे मुझे कितनी बार हुआ? ऐसा मतलब 3 मंथ्स 4 मंथ्स चला ऐसा, कितनी बार करते थे? मैं एवरी वीक किया, मतलब अप्रोक्स 8 डेज 10 डेज में तो करता ही था मैं ऐसा, तो मुझे नेगेटिव आया तो नॉर्मल ऐसा, मतलब तो मैं समझा कि कुछ प्रॉब्लम नहीं ऐसा, लेकिन फिर भी एक वरी रहता है, इसके लिए मैं फॉलोअप के लिए आया डॉक्टर के और पास, अभी क्योंकि क्रिएटिनिन लेवल चेक किया आपने? अभी किया मैंने लेटेस्ट तो 1 है नॉर्मल, उसका है 0.6 से 1.4, लेकिन मेरा अंडर कंट्रोल 1 में है। आपने कहा कि आप अप्रैल 2018 तक दूसरे एलोपैथिक मेडिसिन भी लेते थे, हाँ यहाँ आने से पहले भी आप एलोपैथिक मेडिसिन पे थे, हाँ उससे क्या फर्क पड़ता था आपको? एलोपैथिक से ऐसा मतलब 1-2 महीने में जाता था, लेकिन 6 मंथ्स में फिर आ जाता था मुझे, मतलब वही ऐसा रूटीन, स्टीरॉइड्स में कंटिन्यू 2 इयर्स से ले रहा हूँ ऐसा। सो अभी जनवरी 2018 से लेके अभी जून 2018 है, इस दौरान आपको कभी भी स्वेलिंग रही? नहीं, इस दौरान मुझे स्वेलिंग हुई नहीं, नॉर्मल ही हूँ मैं जब से। यूरिन का कुछ भी प्रॉब्लम? नहीं कुछ भी नहीं, यूरिन तो होता ही है बहुत। ब्रीदिंग में कोई भी नहीं, प्रॉब्लम? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं ऐसा ब्रीदिंग अभी में, भूख प्यास और कैसे बाकी नॉर्मल, आपकी? मतलब अभी जो सा मैं नॉर्मल था पहले वैसे ही नॉर्मल जैसे ही हुआ अभी ऐसा। अभी आप एट प्रेजेंट कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन नहीं, पे? एट प्रेजेंट अभी तक कोई नहीं है मेडिसिन ऐसा। तो ओवरऑल आफ्टर मेडिसिन आपको कैसे लग रहा है? ओवरऑल अभी मतलब ऐसा मेडिसिन मुझे ऐसा फील हुआ कि होम्योपैथिक से मुझे कुछ बेनिफिट हुआ है ऐसा, तो इसके लिए मैं अभी कंटिन्यू रखना चाहता हूँ होम्योपैथिक की मेडिसिन ऐसा, इसके लिए मैं डॉक्टर से फॉलोअप के लिए आया कि मुझे मेडिसिन कंटिन्यू करना है ऐसा, तो डॉक्टर ने मेरे रिपोर्ट्स चेक किए तो मुझे 3 मंथ्स के मेडिसिन देंगे अभी ऐसा, तो बोले कि 3 मंथ्स के बाद हम फिर 3 मंथ्स का ऐसा करेंगे ऐसा, तो वही मैं इसके लिए आया हूँ मतलब डॉक्टर के पास। ओके, थैंक यू मिस्टर तबरे। थैंक यू।